सिरसा लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर तूफानी रफ्तार अपने चुनावी प्रचार को दिए हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अशोक तंवर, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ये मान रहे हैं कि इस वक्त हरियाणा प्रदेश का मैं जिक्र कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का जो वर्कर है, वोटर है, वो वोकल ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है, वोटर है, वो इस वक्त साइलेंट मोड में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से, नंबर की दृष्टि से सबसे मजबूत, आज मैं समझता हूँ कि ना केवल हरियाणा में, पूरे देश में और दुनिया में मजबूत संगठन है। आप गुंडों की अगर बात कर रहे हैं तो गुंडों का तो इलाज जनता कर देगी, कौन सा वोकल है? वो लोग जो खुद अपने बिलों में घुसे हुए हैं, कहाँ वोकल है? वो 10 साल से तो बिलों में घुसे हुए लोग हैं। इसलिए कोई ये समझे कि जो लोगों की शराफत है, ये साइलेंट वोटर का मैं जिक्र कर रहा हूँ। साइलेंट वोटर क्या कमाल वोटर क्या? ये किसी से डरने वाले, ये वोकल ही है, ये वोकल है सारे। ये कोई लठ मारने वाले लोग नहीं है, इनकी संस्कृति वैसे नहीं है। ये संत महापुरुषों के दिखाए, बाबा साहब ने कौन सी लाठी से मारा? बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से अधिकार दिए कि भैया वोट बटन दबाओ और अपना राजा पैदा करो, रानी के पेट से मत होने दो। ये जो परिवारवाद की पैदाइश है, जो धन बल का प्रयोग करते हैं, बाहुबल का प्रयोग करते हैं, अब इनका समय लद गया। कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र के इलाके में अगर नशा हर तरफ फैला हुआ नजर आ रहा है, नशे की जद में ये पूरा इलाका है, तो पुलिस प्रशासन और खुद सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। देखिए, नशा तो उनके सहयोगी वहां से भेज रहे हैं। पहले पंजाब में किसकी सरकार थी? आम आदमी से पहले कांग्रेस की सरकार थी, आज आम आदमी की सरकार है। वो सरकारें यहाँ पर कहीं ना कहीं बॉर्डर से, पाकिस्तान से नशा लेकर के और यहाँ पर उसको भेजती है। सरकार ने बहुत मुहिम चलाई, लोगों को साथ मिला करके मुहिम चलाई और आगे हम फिर विश्वास दिलाते हैं। कई बार कई स्टेट का ये मुद्दा होता है, राजस्थान भी बॉर्डरिंग स्टेट है, पंजाब भी बॉर्डरिंग स्टेट है, हरियाणा तो वहां से ही आता है। तो उन सरकारों के साथ मिलकर के केंद्र की सरकार भविष्य में और सख्ती करे, स्थानीय प्रशासन और सख्त हो, तो हम सब लोग मिलकर के करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर आप उसकी तह में भी जाओगे तो दोषी, जैसे शराब नीति के पकड़े गए ना, ऐसे ही वो जो नशा नीति है, जो उड़ता पंजाब है, उसके जनक भी वही निकलेंगे। आपके चुनावी प्रचार कार्यक्रमों में विरोध करने वालों से आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा विरोध तो कौन करने वाला है, मेरा तो दो चार लोग, अगर मैं समझता हूँ कि कहीं गांव के उस पे, और वो भी चिन्हित हो, कौन लोग हैं वो लोग? वो लोग दूसरी पार्टियों से प्रेरित लोग हैं, किसी ने काला धन भेज दिया, विदेशों से कहीं किसी की फंडिंग हो रही होगी, तो वो लोग खड़े होते हैं वहां पर। और आप अधिकतर देखोगे तो उनमें से अधिकतर लोग दारू पी के खड़े होते हैं, वैसे बेचारे हौसला भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों से उसका जवाब जनता, ये शरीफ जनता है, ये गुंडागर्दी को बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये वोट से उसका जवाब देंगे, 25 तारीख को देंगे, विकसित भारत के लिए देंगे, बड़ी अर्थव्यवस्था तीसरी भारतवर्ष अगले 5 साल में बने उसके लिए देंगे, गरीब का जीवन स्तर ऊपर उठे उसके लिए देंगे, किसान की ताकत बढ़ाने के लिए देंगे और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने लेके देंगे। ये मन बन चुका है। चुनावी रंगत कैसी नजर आ रही है? चुनावी रंगत आप देख लो, हर जगह जहाँ भी हम गए हैं, दूसरे उम्मीदवार तो आज उतरे मैदान में, और हमारा तो 55-60 दिन का कैंपेन हो गया, अब तो 18 दिन बचे हैं। उन 18 दिनों में मुझे नहीं लगता कि कोई चैलेंज, चुनौती किसी तरह की होगी। भारतीय जनता पार्टी पहले से दुगने तिगने मार्जिन के साथ सिरसा की सीट और 10 की 10 सीटें जीतेगी। चुनावी डगर पर अपने लिए आगे आसान जिक्र यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं डॉक्टर अशोक तंवर, करेगा आगे किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जनता उनका साथ दे रही है। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज सरसा।